लीजिए दोस्तों। आईटीपीपी की बालिकाएं इस समय बड़ा मुकाबला दिखाने के लिए और तमाम वीआईपी जी इस समय हौसला बढ़ाते हुए टीम के निर्णायक स्वागत का हाथ मिलाते हुए और ये टीम है इस समय एम बी स्पोर्ट्स ग्रुप इस समय ए छायाचित्र इस वक्त दोनों टीमों के साथ आईटीपीपी की होनहार स्टार पॉइंट लेकर आई है दीपिका। दीपिका ने पॉइंट से शुरुआत की है जबकि इधर देखते हैं स्पोर्ट्स एमबी स्पोर्ट्स ग्रुप ने भी पॉइंट से शुरुआत की है तो बड़ा मुकाबला बड़ी टीमें इस समय रेवाड़ा सोनीपत की पावन पवित्र धरा से इस वक्त में गजानंद फिर बेहतरीन कवरेज लेकर इस नेशनल स्टाइल गर्ल्स कबड्डी ओपन टूर्नामेंट की जो कि गोहाना में इस समय यहाँ बोनस के साथ देखिए 2-1 स्कोर तो यहाँ निश्चित रूप से कठिन चुनौती इस मुकाबले में एक दूसरे के लिए दो बड़ी टीमें एक तरफ है इंडियन तिब्बत पुलिस बल यहाँ और इस वक्त बेहतरीन टेकल अब 3-1 से आगे हो गया है इस मैच के तुरंत बाद मुकेश चले इस वक्त आईटीपीपी है और यहाँ मुश्किलें बढ़ते हुए एम बी स्पोर्ट्स ग्रुप ए की समय का अभाव है आप अति शीघ्र मैदान पर पहुंचे। 4-1 का स्कोर और मुश्किलें शुरुआती समय में दिखाई देने लगी हैं एम बी स्पोर्ट्स क्लब के लिए और देखिए हमारे बीच में आदरणीय कर्ण भाई शेफ ही वापस अंडर प्रेशर वो भी हमारे बीच में पहुंचे भाइयों का स्वागत है अभिनंदन अभिवादन है एक से बढ़कर एक स्टार रेडर है दीपिका पहली पॉइंट से पॉइंटर जीत किया था और कोशिश फिर से होगी दीपिका की श्री शाम गलती छाओं के बीच बोनार बेटियां इस वक्त हरियाणा प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से और लॉबी में गई है पॉइंट मिलेगा जी हाँ आत्मविश्वास से भरपूर 5-1 का स्कोर 4 अंक की बढ़त अंडर प्रेशर इस वक्त एम स्पोर्ट्स ग्रुप ये युवा साथी हैं लेकिन बहुत अच्छी इनकी अर्निंग करते हैं लेकिन खर्च भी सुरक्षित वापस 17 नंबर पहचान संख्या प्रदेश की हिंदुस्तान की युवा शक्ति को और यहाँ थोड़ा सा जरा संभल के स्लिप होता पाओ भाई कहीं डूब तो कहीं छाओ जिला सोनीपत रोहित भैया सभी साथी अपनी टीम के साथ हमारे बीच में पहुंच रहे हैं टू गाई पे है इस समय एम बी स्पोर्ट्स ग्रुप रेड आउट छठा पॉइंट इस वक्त है ये सभी टीमें नोट आईटीबीपी के खाते में दीपिका दमदार चमकदार सरदार सुपर टेकल से भेदना चाहेंगे डिफेंस को और कामयाबी मिली है 8 नंबर जो कि इनकी पहचान संख्या और मुश्किलें बढ़ने लगी हैं जो कि शुरुआती समय से देखने को मिल रहा है एम बी स्पोर्ट्स ग्रुप ये की टीम है इसमें आईटीपीपी के सामने जो कि एक बहुत बेहतरीन टीम इसमें आसान नहीं होगा आईटीपीपी की होनहार बालिकाएं डिफेंस की बात हो या फिर रेडिंग की बात करें कमाल का सेफ ही वापस जाना चाहेंगे और यहाँ आपत्ति हिमोली है शायद विपत्तियाँ विपरीत हैं क्योंकि सिर्फ 2 ही खिलाड़ी कोर्ट पे और मुकेश रेड पे हैं आसानी से ये देखे बीट किया कैच करने के लिए आगे गए तो उसी वक्त हवाई सफ़र देखने को मिला आईटीबीपी की होनार बेटी के द्वारा और इसमें टच करने की कोशिश आईटीबीपी मजबूत खिलाड़ी आसान टेकल और ऑल आउट करता हुआ यहाँ पे आईटीबीपी जिनके जो कोच है संजीव कुमार जी और यहाँ 2 पॉइंट का तोहफा मिला है जी हाँ सोनम कोटे ने अंतरराष्ट्रीय पहलवान लीलाराम जी के सुपुत्र 2 पॉइंट के साथ ढाई अंकों में इस वक्त आईटीपीपी लेकिन यहाँ टच पॉइंट की मांग और अर्जित भी किया
शानदार सितारों से सजी हैं दोनों ही टीमें। इधर से भी पॉइंट अर्जित किया है बढ़त को काटने की कोशिश, मगर आईटीबीपी की जो टीम है काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और पहुंच गई एक नहीं दो नहीं तीसरे प्रयास में सफलता मिली। तो बढ़त को काटता हुआ धीरे धीरे कड़ी गर्मी के बावजूद पसीना बहाते हुए बहुत अच्छी अच्छी टीमों ने आज हमारी इस खेल प्रतियोगिता में और यहाँ अच्छा बलो किया, साइड लाइन से बाहर भेजा। सत्याल जी 64 यानी कि 64 टीमों ने हिस्सा लिया जो अपने आप में किसी भी प्रतियोगिता का एक रिकॉर्ड। हाफ टाइम इसी के साथ हरियाणा प्रदेश में आज से पहले हाफ टाइम के समय टूर्नामेंट में इतनी टीमों का आना ये रिकॉर्ड 17-5। ये सेकेंड हाफ लीजिए खेल को आशीर्वाद देने के लिए बेचेंगे। मोहित जी से चाहूंगा कि एक बार मोहित चेक करके लिस्ट बना लें। मोहित जी दबाव में है अपने का काम करें तो ग्राउंड नंबर एक पर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। माफ कीजिए 16-5 का स्कोर है यानी कि 11 अंक की लीड है इस वक्त और यहां डुबकी लगाई और उसी डुबकी में दबोच लिए गए। आईटीबीपी की बालिकाएं बहुत बेहतरीन हैं और ये तो होना ही था क्योंकि देश की सेना के लिए वो पीछे नहीं हटती। यहाँ कहाँ पीछे हटने वाली है जब कबड्डी कोर्ट की बात हो और ख़ासकर एमबी स्पोर्ट्स ग्रुप जो है मजबूत टीम है लेकिन यहाँ पहले राउंड में ही शायद बाहर जाना पड़ेगा। अब स्थितियाँ यही कह रही हैं कदमों का खूबसूरत इस्तेमाल और यहाँ टच पॉइंट की मांग की जा रही है और मिलेगा अंक। शानदार तरीके से स्कोर में इजाफा करता हुआ देखिए बहुत बढ़िया हमारे सभी साथी 18 पे पहुंचा है जबकि 5 पे रुका हुआ इस समय। मंच पर मंचासीन है एमबी स्पोर्ट्स एकेडमी दबाव में यहां लक्ष्य तक पहुंचे और मंचासीन हमारे भाई मंजीत है सिर्फ इकलौता अंक छठा अंक देखा जाए तो मिलाकर कैप्टन है इस प्रकार के डिफेंस है दीपिका साथ में है संदीप एक बार फिर उभरते भी स्टार और साथ में रोहित चार का डिफेंस घंटा जसोर खेड़ी हमारे इस खेल क्लब को 21,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में चार के डिफेंस से बैक की कोशिश घंटा जसोर खेड़ी के लिए समय को ध्यान रखना होगा और आसान अंक खेल क्लब को प्रोत्साहन के रूप में दे रहे हैं। बिल्कुल सभी का मैं लगातार इजाफा तो साथ में पहुंचे हमारे भाई मंजीत पहलवान अलावा डिगल की बात है मनीष है डिगल की बात है विकास डिगल की बात है का स्कोर अच्छा हमारे भाई और ये देखिए थाई होल कितना खूबसूरत है गांगुली की बात है एक्शन से ढेर दिया चाहे जोड़िया पहलवान 19 जिंदगी की बात है परिवर्तन के तौर पे आई है इस वक्त अंजलि ठेकेदार अकालगढ़ मोतेवाला की बात है चाहे रुपेश धवन की बात है और आईटीबीपी की देखिए उदयमान खिलाड़ियों में से एक उभरते भी मनदीप क्रांतिकारी प्रतिभावान बालिकाएं और यहां लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगली टीम में ध्यान दें सफल रेड डीएम ग्रुप बी वर्सेस मोर माजरा ग्राउंड नंबर 1 पर तैयार है 20 पे पहुंचता हुआ और ऑल आउट का खतरा दूसरी बार वर्सेस मोर माजरा 20 के साथ 14 अंक की मजबूत तैयार है और एक अप्रत्याशित बढ़त कही जा सकती है क्योंकि आज इसका फाइनल हो रहा है और मुश्किलें बढ़ सकती हैं कैच के साथ ही ग्राउंड नंबर 2 पर आएंगे बोनस का ट्राई करते हुए वर्सेस गोरखपुर लेकिन इकलौती डिफेंस के रूप में सामना कैसे करेंगे ये बड़ा सवाल इस वक्त आसान अवसर है और आत्मसमर्पण ये देखिए वहीं जोखिम लेना चाहिए था। ऑल आउट के साथ ही अब 23 पे पहुंचा 23-7 का स्कोर 16 अंक की बढ़त बोनस का फरियाद एक नंबर की रैडर की अच्छा खासा हाइट है याद दिलाना भरपूर फायदा उठाने चाहेंगे अपने कद का बेटी पर लाखों रुपए और यहाँ उठा भी लिया एक का यहाँ पर भी बारा गांव की प्रतियोगिता बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया ये सारे दानवीर साथी हमारे बीच में मंच पर यानी कि 9 सैल्यूट करता हमारे भाइयों 23 बिल्कुल जो अपनी छोटी बहनों के लिए इतनी धनराशि अंजलि ललचाने की कोशिश
सेफ ही वापस से या फिर बोनस मिलेगा देखते हैं। समय ही बिताया खाली की टीम मैदान नंबर गोरखपुर जो है ये बताओ ए बी सी क्या है क्योंकि चार टीम ने बताया है गोरखपुर की ये तो जी वो टाई जो डाल रहे हैं वो बताओगे दबाव बढ़ता जा रहा है जिन्होंने टाई डाल रखी वो उनके पास चौदह अंक का बढ़त है इस वक्त आई टी बी पी के पास ये गोरखपुर भी है काफी प्रभावशाली रेडर इस वक्त आई टी बी पी के पास और यहाँ देखिए 10 नंबर को बाहर भेजा 8 नंबर ने बहुत बढ़िया हमारे भाई कोच सुनील गांगोली जी बहुत अच्छा सहयोग साथ दे रहे हैं आप भी बहुत बधाई के पात्र दोनों भाई और इस वक्त और देखिए बड़े गुच्छ में पॉइंट्स चाहिए हैं लेकिन यहाँ गलती की होल्ड अच्छा हो सकता था कोमल के द्वारा मगर यहाँ निराशा हाथ लगी पवन कुमार और कर्ण भैंसवाल दोनों साथियों की एक राम लखन की जोड़ी है प्रतियोगिता अपने आप ही खुल जाते हैं उस गांव के बेटे हैं कर्ण और पन्ना भैंसवाल जिला सोनीपत 21,000 रुपए की धनराशि हमारे खेल कर्म को प्रोत्साहन के रूप में पड़ा पे मुकाबला आई टी बी पी जीत के करीब जितने भी वेटर हवा में ठीक और स्वीकार किया समय और यहाँ लक्ष्य तक पहुँच गई कि दोनों टीमें आ जाए वर्सेस गोरखपुर की ए टीम जीत के करीब समय भी इजाजत नहीं देने वाला राउंड नंबर दो पर आ जाए किसी का इंतजार भी नहीं करता राउंड नंबर एक की डीएम ग्रुप डी वर्सेस मोर माजरा ए ये औपचारिकता के रूप में रेड हो सकती है और देखिए रेड होगी राउंड नंबर एक पर या दो पर है दीपिका मंदीप क्रांतिकारी फिनिश करना चाहेंगे मैच को परो कबड्डी के बड़े मानने जाने बंगलुरु इस रेड के साथ ही शायद और इसके साथ ही समय समाप्त और यहाँ आई टी बी पी ने एम बी स्पोर्ट्स ग्रुप को पराजित किया है 26-11 के साथ यहाँ 15 पॉइंट से जीत दर्ज की है आई टी बी पी की टीम ने कांग्रेचुलेशंस